हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू की तरफ से दिए गए डिफरेंट डिफरेंट अपडेट के ऊपर बात करेंगे, और भी कई आरसी की तरफ से भी डिफरेंट डिफरेंट अपडेट किया गया है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। फाइन, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो गाइज, हर एक नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जो कि आपका 26 नवंबर मीन्स कल आपका रिजल्ट अपडेट किया गया है June 2021 सेशन के लिए। फाइन, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट बच गए हैं जिनका रिजल्ट आना रह गया हो। तो सभी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल करके सबमिट कीजिए और रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इशू आ रहा होगा देन आप कमेंट करेंगे। फाइन, और नेक्स्ट अपडेट है आपका कि आपका रिएवोल्यूशन का भी रिजल्ट June 2021 सेशन के लिए 26 नवंबर को अपडेट किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग यहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट कीजिए और रिएवोल्यूशन का रिजल्ट चेक कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स अपना पेपर रिएवोल्यूशन में 16 दिन पहले डाले होंगे, देन वो सब वेट करेंगे, क्योंकि जल्दी से आपका रिजल्ट नहीं अपडेट किया जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिएगा, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट है आपका ग्रेड कार्ड भी आपका अपडेट किया गया है, जो कि ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए जो भी स्टूडेंट वीसीए या फिर एमसीए या फिर एमपी या फिर एमपीवी या फिर पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स होंगे, वो यहाँ पर क्लिक करके चेक करेंगे। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम बीडीपी बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी या फिर एएसएसओ प्रोग्राम हो, देन वो स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करके चेक करेंगे। अदर स्टूडेंट्स जिनका अदर प्रोग्राम होगा, वो यहाँ पर क्लिक करके अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लेंगे। फाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ग्रेड कार्ड जो है वो 26 नवंबर को ही अपडेट किया गया है, इसलिए सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट अपना अपना ग्रेड कार्ड जरूर चेक कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, ग्रेड कार्ड को चेक करने के लिए यहां से आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, और यहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट करेंगे, देन आपका ग्रेड कार्ड चेक हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अभी जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, जहां पे बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम BLIS है, देन उन सभी स्टूडेंट्स का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया है उनका वाइवा कार्ड, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। रिवाइज शेड्यूल एंड डेट फॉर लर्नर्स फॉर BLIS प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ BLIE 224 एंड BLIE 229 फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2021 सेशन एज पर ACD डेटा, राइट। मींस रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया वाइवा के लिए जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम BLIS है और उनका कोर्स कोड ये सब है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सभी स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर दिया गया है और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, सर्च कर लेंगे अपना नाम और देख लेंगे कि कौन से बैच में आपका एग्जामिनेशन पड़ रहा है। बैच वाइज वाटा गया है, जो कि बैच 1 है ये, राइट। बैच 1 का 22 नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया है मॉर्निंग सेशन में, और गूगल मीट लिंक के द्वारा आपका एग्जाम होगा, जो कि गूगल मीट लिंक भी यहां पर दिया गया है। फाइन, इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारा PDF है जो कि स्टूडेंट्स का वाइवा के लिए जारी किया गया है। एग्जामिनी का लिस्ट जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, टोटल 7 पेज का PDF था आपका, जो कि आप लोगों ने देख लिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट अपडेट रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जहां पे आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम BLIS है और उन सभी स्टूडेंट्स का कोर्स कोड BLIE 229 है, देन उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनी का लिस्ट निकाला गया है, जहां पर स्टूडेंट्स का नेम एनरोलमेंट नंबर सब मेंशन किया गया है। प्रोग्राम आप यहां पर देख सकते हैं, प्रोग्राम कोड BLIE 229 के लिए स्टूडेंट्स का वैवा होने वाला है, जो की 28 नवंबर को होने वाला है, 10:30 AM से लेकर के 1:30 PM तक चलेगा, जो की टाइमिंग भी आपको यहाँ पर बताया गया है। फाइन, और आपका वैवा ऑनलाइन मोड में होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया। फाइन, November 28 आपका संडे पर रहा है, राइट। सब यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देखा जाए तो टोटल नेक्स्ट पेज पे भी स्टूडेंट्स है, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स का 2 सेशन में एग्जाम रखा गया है, जो कि एक तो था आपका 10:30 से लेकर के 1:30 PM तक, और नेक्स्ट है आपका 2:15 से लेकर 5:15 PM तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा, जो कि स्टूडेंट्स का नाम एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, राइट। ये भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, जिसका गूगल मीट लिंक यहाँ पर दिया गया है, बस आप लोगों को गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फाइन, तो सभी स्टूडेंट जो
कि रायपुर रीजनल सेंटर से है और उनका BLIS प्रोग्राम है और BLIE22 कोर्स कोड है। देन वो सब स्टूडेंट यहाँ पर इस लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर लेंगे, इनरोलमेंट नंबर मैच कर लेंगे, आपका नाम यहाँ पर है या नहीं, राइट, क्योंकि आपका वाइवा होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट जरूर नाम चेक कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट बहुत बड़ा अपडेट जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम MCA है और उनका मिनी प्रोजेक्ट है जो कि कोर्स कोड है आपका MCS44, राइट, देन उन सभी स्टूडेंट्स का वाइवा होने वाला है, राइट, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनी प्रोजेक्ट MCS44 वाइवा एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर MCA प्रोग्राम एट स्टडी सेंटर और कोड यहाँ पर मेंशन किया गया 1201, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, राइट, और यू आर रिक्वेस्ट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन 28 नवंबर, मींस आपका 28 नवंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है 11 AM से विद पर्सनल कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट फाइन, राइट, मींस आपको प्रोजेक्ट का पर्सनल कॉपी भी लेकर के जाना होगा, फाइन, और पूरा डिटेल के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देन ये वाला आ जाएगा नोटिस आपका। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आपका MCA 044 का आपका जो भी पेंडिंग भी सेशन वाले स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट का होगा, ये 4th सेमेस्टर का है MCA का, राइट, तो सभी स्टूडेंट का वाइवा होने वाला है 11 AM से 28 नवंबर को जो कि आपका संडे पर रहा है, राइट, तो सभी स्टूडेंट टाइम से आप अपना प्रोजेक्ट फाइल का आप लोग पर्सनल कॉपी भी लेकर के प्रेजेंट रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर भी बताया गया है, राइट, तो जितने भी जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है और उनका कोर्स कोड MCS044 है देन सभी स्टूडेंट्स का वाइवा होने वाला है मिनी प्रोजेक्ट का, सभी स्टूडेंट टाइम से आप अपना प्रोजेक्ट का वाइवा दे लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका GD का IRC लाइव प्रोग्राम होने वाला है 26 नवंबर को ही, मोर डिटेल के लिए यहाँ पर क्लिक करना है देन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको बताया गया है द लाइव टेली कॉन्फ्रेंस सेशन ऑफ SOVET और SOL एंड SOH हिंदी शेड्यूल फॉर टुडे 26 नवंबर 2021, टोटल 3 शिफ्ट पे होगा जो कि टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है, टॉपिक यहाँ पर दिया गया है तीनों का और एक्सपर्ट का नाम यहाँ पर दिया गया, राइट, तो सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट अपडेट पुणे रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम BSCG और CBCS का होगा देन उन सभी स्टूडेंट्स का लैब का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए आपको ये गूगल फॉर्म पे आपको जो डेटा मांगा जा रहा है उसे फिलअप करना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंसेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर लैब कोर्स ऑफ BSCG या CBCS एट इग्नू स्टडी सेंटर, राइट, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो डेटा मांगा जा रहा है उन सभी डेटा को आपको फिलअप कर देना है, तभी आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे, उसके लिए आपको अपना ईमेल देना है जो कि यहाँ पर मांगा जा रहा है, राइट, और आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर पे यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपका नाम स्टूडेंट्स नेम और आपको अपना फोन नंबर डाल देना है, स्टूडेंट प्रोग्राम कोड जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, राइट, और नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो स्टूडेंट ईमेल एड्रेस आपको मांगा जा रहा है और यहाँ से चेक योर एडमिशन डिटेल एंड सिलेक्ट प्रैक्टिकल कोर्स व्हिच इन यू हैव रजिस्टर्ड एंड विलिंग टू अटेंड द प्रैक्टिकल काउंसलिंग एंड एग्जाम, जो भी आपका कोर्स कोड है वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट, और यहाँ से आप स्टडी सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है आप जब सिलेक्ट कर लेंगे स्टडी सेंटर कोड देन वो बाद में चेंज नहीं किया जाएगा, फाइन, और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने प्रैक्टिकल काउंसलिंग या फिर एग्जामिनेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो ये सो नो दिया गया ऑप्शन, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सारे डेटा को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट, देन आप इस एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे, राइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट जिनका ये प्रोग्राम है वो इस गूगल फॉर्म पे आप अपना डिटेल फिलअप कर देंगे, राइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही सब था आज का आपका नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए जाना जरूरी था, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट, तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।